ये है यार कोंगो की बस। लोगों ने मुझे मना करा था यहाँ पे ऐसे घूमने फिरने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट में, बट हम आदत से मजबूर हैं इसमें यार फिलहाल। हेलो भाई नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है यार आप लोगों का नवी वीडियो में। मैं हूँ यार कोंगो में और पहली बार है मेरा इस साइड, बोत्सवाना से लेके जिम्बाब्वे, नमीबिया, अंगोला, कोंगो, इन साइड भाई फर्स्ट टाइम है अफ्रीका में मेरा। और आप लोगों को याद होगा कि बोत्सवाना में मेरे पास यार वैलिड वीज़ा था, ई वीज़ा उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट का, एंड वहाँ की इमिग्रेशन को यही नहीं पता था कि ई वीज़ा भी एक चीज़ होती है। तो मैंने वहाँ पर ठीक है मेरे को समझ आ गई, इन्हें नहीं पता मैं एक हफ़्ता नहीं रुक सकती, तो मैंने अपनी तरफ से नवा वीज़ा ले लिया था। मैंने कहा ठीक है आप लोग नवा वीज़ा दे सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, ई वीज़ा जाता है जाने दीजिए। और अंगोला वाली साइड यार मैं श्योर नहीं थी कि मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल बॉर्डर पे मिलता है कि नहीं, या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं सिर्फ पूछने गई थी एंड वहाँ पर इमिग्रेशन ने खुद ही मदद कर दी थी। उन्होंने बोला था ठीक है आप दो दिन वेट कर लीजिए, आपको ई वीज़ा चाहिए, तो वो भी सोल्यूशन आ गया था। बट यार कोंगो में क्या हुआ, मेरे पास वीज़ा था, मैं नमीबिया से एम्बेसी से यार स्टैंप लगा के वीज़ा लेके आई थी, और मैंने पूछा भी था नमीबिया में, ये थोड़ा ना 3-1 में कन्फ्यूजन हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका वीज़ा ये मार्च से ही है और ये वैलिड है। मैंने कहा चलो दिक्कत आएगी भी तो सिस्टम में डाल के तो बंदा चेक कर सकता है, तो पता चल जाता है किस दिन वीज़ा लगाया है। तो अब यार कोंगो में आके मुझे ये पता चला यहाँ पे भाई सिस्टम भी नहीं है और ये लोग सिस्टम में चेक भी नहीं कर सकते, एंड ये मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि वो वीज़ा मार्च का है। ये लोग कह रहे नहीं 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 ये वीज़ा जनवरी का ही है। फिर मुझे कहते हैं कि आपका ना जिसने ये वीज़ा दिया ना उससे बात कराओ तब मानेंगे। तो मैंने उनसे भी बात कराई, हमने यार नमीबिया के एम्बेसी में फ़ोन करके बात कराई, एंड उन्होंने फ्रेंच में बोला कि मेरे से थोड़ी सी लिखने में गलती होगी है लेकिन इसका वीज़ा मार्च में ही लगा है, बट कोई नहीं माना यहाँ पे। तो इन द एंड भाई फिर जो चीफ था वहाँ का उन्होंने ही कोई इंडियन ढूंढे यहाँ पे, एंड उन्होंने फिर मुझे वीज़ा भेजा जो कि एक हफ्ते का वीज़ा है सिर्फ, और ऑलमोस्ट $390 ऐसा कुछ रेट है उसका, एंड $90 भाई आपको बॉर्डर पे करने होते हैं और 300 आई थिंक ऑनलाइन पेमेंट है। तो ये स्टोरी रही भाई वीज़ा की। तो यार मैं बॉर्डर एरिया में हूँ, लूवो कोंगो अंगोला का बॉर्डर एरिया है, एंड जैसा आप लोगों को पता है यहाँ पे अभी मैं इंडियंस के साथ हूँ, तो मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ एक एक करके सबसे इधर। हेलो नमस्ते। नमस्ते, मैं रतन सिंह राजस्थान अजमेर से, मैं यहाँ मेटल किंग कंपनी में काम करता हूँ और हमारी कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है और हमारे सर भी बहुत बढ़िया हैं। हाँ जी, उन्होंने आज मदद भी करी मेरी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद उनका, वो अपने जो भी इंडियन होते हैं उनकी बहुत सहायता भी करते हैं, और ऐसे सर कभी मिलेंगे नहीं अपन को ढूंढने से भी। सही है यार, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि स्टाफ बॉस की तारीफ करे, बट सही। एंड आपने यहाँ कितना टाइम हो गया कोंगो? मेरे को यहाँ 5 साल हो गए हैं। तो और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोंगो के अंदर मैं 5 साल रह जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा बॉस ऐसा मिला कि मुझे 5 साल का कभी पता ही नहीं चला कि कब मेरे 5 साल यहाँ निकल गए। नहीं सही, बहुत अच्छा। आई होप आगे का सफर भी आपका कोंगो में अच्छा ही जाए। तो भगवान रखेगा जब तक अपने सर के पास काम करूंगा मैं। सही, धन्यवाद। हेलो। हेलो नमस्ते। नमस्ते, आप प्लीज हमें अपने बारे में थोड़ा बताइए एंड कोंगो में आपका रहने का एक्सपीरियंस। मैं दिलीप शर्मा, कोंगो बहुत ही अच्छा है, काम करने का भी यहाँ एक अलग ही तरीका है, क्योंकि ये यहाँ काम जो करते हैं एक घर की तरह करते हैं, और सर जो हमारे हैं वो जैसे घर के पिता होते हैं उस तरह हैं। सारे परिवार, सारे वर्कर को वर्कर नहीं अपने लड़के समझते हैं वो। नाइस। और वैसे अगर आप कंपनी से बाहर देखें तो कोंगो में रहने वगैरह का आप लोगों को कैसा लगता है इधर, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कंट्री के बारे में? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाहर का दुनिया का कोई हम लोगों को ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने काम से काम रखते हैं। हाँ सही। तो बाहर आना जाना इधर कोंगो में थोड़ा कम ही रहता है? कम ही रहता है, और हमको हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा यहाँ की है, तो हमको कभी बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी कंपनी प्रोवाइड करती है सब कुछ। प्रोवाइड करती है, सही है। तो भाई सही, कोंगो में मतलब लाइफ कंफर्टेबल होना एक बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि कंट्री के रूल्स वगैरह सब कुछ एक अलग है, दूसरी कंट्रीज से बहुत अलग है, तो सही है। बाकी यार इधर खाना वगैरह चल रहा है, इंडियन खाना बन रखा है, इधर दाल है इसमें पता है। सही भाई, और हमारे जो शेफ़ हैं वो कोंगो के ही हैं।
यहाँ पे किधर गए हैं जनाब? हेरे हेरे या का रहे हो? बोंजूर मैं बोंसुआर मैडम। योर नेम? लोपा कोम्बो कोम्बो। नहीं पापा एरिक। पापा एरिक ओके। एंड इन सब पूछना, इन्होंने खाना बनाना कहाँ से सीखा इंडियन? आपने बोले वो लक्षा है उलिया इंडियन या यो इंडिया हुई इंडिया मैडम इंडियन मैडम इंडियन से ओके थैंक यू है गुड ओके सही है भाई। इधर अभी घर में है तो इन्होंने वीडियो बनाने दी, वरना बाहर रोड में तो कॉन्गो में वीडियो बनाना एक काम है अपने आप में। इधर भाई खाना चल रहा है हमारा तो सही। तो भाई यार अभी टैक्सी की तरफ जा रहे हैं किनशासा की। एंड सही, बाकी किनशासा जाके कहाँ घूमना है क्या सीन है वो देखते हैं। और लुवो टाउन भाई ऐसा दिखता है, बहुत नेचुरल जगह है। एक्चुअली कॉन्गो ऑलमोस्ट बहुत अंडर डेवलप कंट्री है एंड यहाँ पे भी यार पैसे की वैल्यू नहीं है साउथ सूडान जिम्बाब्वे की तरह। मतलब पैसे ऐसे ही निकलते रहते हैं, खर्चा होता रहता है आपका, $1, $2, $3, $4 इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो कॉन्गो का भी इकोनॉमी करेंसी का यार ये हाल है। एंड यहाँ पे लोकल करेंसी भी है, फ्रांस बोलते हैं और US डॉलर भी चलते हैं। ATM में जहाँ से आपको US डॉलर मिल जाते हैं। और ये भाई स्ट्रीट है लोगों की। बाकी चले यार टैक्सी स्टैंड पे चलते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। किनशासा की टैक्सी लेनी है हमें, रास्ता शायद 6-8 घंटे का है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। हेलो, योर नेम? माय नेम इज इमानुएल किपांगा। इमानुएल किपांगा, यू वे यू फ्रॉम लुवो? लुवो ओके नाइस। सही भाई, ये जनाब लुवो से हैं इधर ही। यू स्पीकिंग फ्रांस? यस। लिंगाला? लिंगाला। ए इकोंगो? इकोंगो। स्पेनिश? थ्री ओके। फ्रांस लिंगाला इकोंगो किकोंगो 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 स्पीकिंग लुवो लुफो बांडुंडु प्रोविंस कॉन्गो सेंट्रल ओके। तो यार जो कॉन्गो बहुत बड़ी कंट्री है एंड आई थिंक मैं गलत भी हो सकती हूँ बट 80% से 60% एरिया में रोड्स नहीं है। आपको अगर एक्सेस करना है एरिया तो एयरपोर्ट से ही हो सकता है, या आप ये कर सकते हैं रवांडा वाली साइड से एंटर करेंगे तो उस साइड की रोड मिल जाएंगी, जाम्बिया वाली साइड से एंटर करेंगे तो उस तरफ का एरिया आप एक्सेस कर सकते हैं। बट किनशासा से जाना बहुत मुश्किल है इंटीरियर एरिया में। तो अगली बार जब मैं आऊँगी भाई तो रवांडा वाली साइड से मुझे जाना है, उस एरिया को देखना है, तो अगली बार जाएंगे वहाँ पे। बट इस बार हम किनशासा वाली साइड से जा रहे हैं। तो भाई यार जिस टैक्सी ने मुझे बोला था कि जाना है 8 बजे, हम लोग 8 बजे भाई पूरे 8 बजे, आई थिंक 8 बजने से 4-5 मिनट पहले ही हम लोग भाई गाड़ी लेके इधर आ गए थे। बट वो टैक्सी निकल रखी थी, आई थिंक कि पैसेंजर मिल गए होंगे भाई उसे, तो वो चलेगी, रुकी नहीं। तो ये दिक्कत है, अब गाड़ी नहीं मिल रही यहाँ पे, तो पता नहीं भाई ये दिक्कत आ रही है सारी। बट यहाँ पे भाई रोड तो है, ट्रक वगैरह जा रहे हैं, ये रोड बनी हुई है। तो ये वाली रोड भाई जाएगी किनशासा की तरफ। ये सीन है यार यहाँ का भाई, टाइम पे आने पे भी टैक्सी निकल रखी थी। तो भाई यार मैं टैक्सी में नहीं गई हूँ, मैं बस में जा रही हूँ किनशासा की तरफ। टैक्सी तो निकल गई थी और बस की टिकट है भाई $10 और टैक्सी की टिकट है ऑलमोस्ट $25 या $30। तो ये डिफरेंस है टिकट प्राइस में भी। एंड अभी तक भाई बस फास्ट ही चल रही है तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एंड ये भाई कॉन्गो की बसों के नज़ारे हैं भाई। ये है यार कॉन्गो की बस। लोगों ने मुझे मना करा था यहाँ पे ऐसे घूमने फिरने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट में, बट
हम आदत से मजबूर हैं इसमें यार। फिलहाल किनशासा पहुँचते हैं, $10 टिकट लगी है। भाई यार $10 की बस है ये लोकल, लेकिन इस बस में ये लोग ड्रिंक्स दे रहे हैं यार कोंगो में, मुझे उम्मीद नहीं थी है। सस्ती है यार बस, और खाना पीना भी मिल रहा है, ब्रेड दिए इन्होंने, ड्रिंक्स दिए हैं, वो भी $10 की बस में। सही यार, ठीक है। नामीबिया वगैरह में तो बस यार बड़ी एक्सपेंसिव है, सही रेट है। भाई बस इधर झाड़ियों में रुकी हुई है बाथरूम वगैरह के लिए 5 मिनट, उसके बाद फिर चलेंगे किनशासा की तरफ। आई थिंक 4 या 5 घंटे का सफ़र और बचा है, और वैसे बस भाई बहुत फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब गजब यार एक नंबर। मेरे को अभी तक तो ठीक लग रहा है घूमने, यहाँ पे कोई डरने वाली बात फील नहीं हो रही, बट अभी पहला ही दिन है। बाकी चल के मैं आपको अपडेट देती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा कोंगो में। तो भाई यार हम किनशासा की तरफ जा रहे थे बस में, एंड मैं बस आपको बाहर से दिखाती हूँ एक मिनट। ये बस है, लेकिन रास्ते में भाई बस के टायर के चिथड़े उड़ गए, तो इधर भाई आप टायर की हालत देख सकते हैं। तो रुके हैं भाई इसको ठीक करने के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद दोबारा से सफ़र शुरू करेंगे।